पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन ने मंगलवार को ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देकर मुल्क में भाजपा की सरकार बनने की दुआ की। हुसैन ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की मजार पर मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश कर कामयाबी की दुआ मांगी। लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल से प्रफुल्लित शहनवाज ने कहा कि गरीब नवाज का करम हो गया है और जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बन रही है। मतगणना से तीन दिन पहले गरीब नवाज के दर आए शहनवाज हुसैन आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए और आखिर हो भी क्यों ना, तमाम सर्वेक्षण उनके पक्ष में जो नजर आ रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसी भी समुदाय को डरने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने पहले भी कहा था कि पूरे 130 करोड़ लोगों को साथ लेकर चलेंगे, अल्पसंख्यकों का खास ध्यान रखा जाएगा और उन्हें इस तरह के अवसर दिए जाएंगे जैसे गुजरात में दिए हैं, ताकि वो भी देश के अन्य बिरादरियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। हर बार मेरी हाजिरी रही है, शायद कभी ऐसा हुआ हो कि मैं राजस्थान आया हूँ या यहाँ ना आया हूँ। आज पहले भी आया था, आज भी दुआ करता हूँ कि हमारी एक तो भागलपुर से मैं अच्छे वोट से चुनाव जीतूँ और साथ में नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री बने, और जिस तरह का माहौल है उससे लगता है कि गरीब नवाज साहब का करम हो गया है और इंशाल्लाह हम लोगों की सरकार केंद्र में नरेंद्र भाई के नेतृत्व में बनेगी। इस सरकार में हम लोग किसी को छोड़ कर नहीं चलेंगे, खासकर जो अकलियत के लोग हैं उनको ये अतमाद दिलाना चाहते हैं कि पहले दिन ही नरेंद्र भाई ने कहा था कि 121 करोड़ जनता और एक ग्रंथ को मानेंगे, वो भारत का संविधान, उसके रोशनी में सबका फलाह बहबूद करेंगे और सबको लेकर चलेंगे। इस मुल्क में अभी तक अकलियतों के साथ सिर्फ लिप सर्विस हुई है, उनकी सर्विस नहीं हुई, तो हम लिप सर्विस करने वाली पार्टी नहीं है। हम जिस तरह राजस्थान में अकलियतों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, मुल्क में भी जिस तरह गुजरात के मुसलमान का पर कैपिटा इनकम सबसे बेहतर है हिंदुस्तान में, तो पूरे मुल्क का मुसलमान भी अपने हिंदू भाई के साथ बराबर से कदम मिलाकर तरक्की करे, इसके लिए हम सब लोग। शहनवाज ने कहा कि इस चुनाव से पहले ही जनता ने मन बना लिया था कि लंगड़ी सरकार नहीं बनानी है, इसलिए छप्पर फाड़ कर मतदान किया। उन्होंने विश्वास जताया कि बीजेपी अपने बूते पर पूर्ण बहुमत हासिल करेगी और सहयोगी दलों के साथ दो तिहाई बहुमत की ओर अग्रसर होगी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं, ओपिनियन पोल आ रहे हैं, कहीं पर भी चले जाएं तो लोगों का यही कहना है, बूथ पर देखें सब जगह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपने दम पर बहुमत लाएगी, एलाइज के साथ दो तिहाई की तरफ बढ़ेगी और हमें लोगों ने मन बना लिया है। पहले ही लोगों ने तय कर लिया था कि कोई खिचड़ी ना पके, देना है तो छप्पड़ फाड़ के दें, तो जब दिया है पब्लिक देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है। एनडीए की सरकार तो एनडीए की ही कहलाएगी और हम लोग अपने एलाई जो हमारे साथ हैं उनको भी लेकर चलेंगे, और नरेंद्र भाई का जो एक नारा था शुरू से, सबका साथ सबका विकास।